नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी 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 प्रिय दर्शकों का। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, फागुन के महीने में शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है और साल 2021 में 11 मार्च को है महाशिवरात्रि। मान्यता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसी कारण शिवरात्रि को बहुत पवित्र माना जाता है। इस महाशिवरात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने जीवन से कष्टों को मिटाना चाहिए। इस शिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, त्रिशक्ति रुद्राक्ष, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा हो और शिव का प्रिय है रुद्राक्ष। जिसने रुद्राक्ष धारण किया वो शिव का और अन्य देवी देवताओं का प्रिय हो जाता है। कहावत है, मान्यता है, किताबों में लिखा है कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया वो धरती पर शिव का अंश हो जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। और विशेष रूप से जब त्रिशक्ति कवच बनाया जाए, उस कवच को पहनने वाला व्यक्ति इस संसार पे दुखों को पीछे करके सुख की तरफ आगे बढ़ता है और शिव कृपा का विशेष हकदार होता है। आपको ये त्रिशक्ति कवच देखना है कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है त्रिशक्ति कवच। इसमें तीन रुद्राक्ष हैं जो चांदी में बने हुए हैं और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष कृपा है। इन रुद्राक्षों की खास बात यह है कि ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है और इसको कोई भी महिला पुरुष धारण कर सकता है। ये शिवरात्रि पर अभिमंत्रित किए जाते हैं शिव के विशेष मंत्रों द्वारा, योग ब्राह्मणों द्वारा, योग पुरोहितों द्वारा, और उसके बाद ये आपके घर पर हम भेजते हैं। ये धागे में या चांदी में बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको L1 लिखकर भेजना पड़ेगा। दिए गए नंबर पर आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा और इसकी कीमत है 2400 रुपये और इसके साथ में आपको एक सुरक्षा, हेल्थ सुरक्षा किट भी मुफ्त दी जाएगी। आप लोग इसकी बुकिंग करा सकते हैं। अब जानते हैं शिव को और किन रास्तों से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव जी को तीन पत्तों वाले बिना कटे फटे बेलपत्र 108, 51, 21, 11 जो भी आपको आसानी से मिल जाए चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को भांग बहुत पसंद है, भांग चढ़ाएं। आप चाहें तो भांग को पीस कर दूध में मिलाएं और भांग वाला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं, इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होंगे। धतूरा व गन्ने का रस भगवान को बहुत पसंद है, वो चढ़ाएं। जल में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल शिव को चढ़ाएं, इससे भी आपके कष्ट मिटेंगे। शिव पुराण का पाठ करें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें, शिव की स्तुति करें, शिव के भजन गाएं, शिव का नाम लें। इतना करने मात्र से ही शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और ये त्रिशक्ति कवच आपके जीवन से दुखों को मिटा देगा, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा सबको हटा देगा, ग्रहों को शांत कर देगा और शिव की कृपा हो जाएगी। और तीनों लोगों के स्वामी हैं शिव और शिव के अंश आप बन जाएंगे। तो आपको खुद ही सोचिए कि कोई भी मुसीबत कैसे परेशान कर सकती है। तो इस शिवरात्रि मौका है आपके पास अपनी किस्मत को बदलने का। L1 लिखकर व्हाट्सएप करें और नहीं तो बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए इनको भी करें। इनसे भी आपका जरूर मंगल होगा और आपके कष्ट मिटेंगे और आप खुश होंगे। अब जान लेते हैं शिवरात्रि का मुहूर्त। पहले
पहला प्रहर 11 मार्च शाम 6:27 से लेकर 9:29 तक शाम को, दूसरा प्रहर 9:29 से लेकर 12:31 देर रात्रि तक। यह है शिवरात्रि का मुहूर्त। इसमें आप भगवान शिव को खुश करें, प्रसन्न करें, जो भी कर सकते हैं आप यथासंभव वो करें और भगवान को खुश करके उनका आशीर्वाद लें। बहुत बढ़िया दिन है आज, आज चूकिएगा नहीं, थोड़ा वक्त निकालिएगा भगवान शिव के लिए, इससे भी आपका कल्याण होगा। नमस्कार।